हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेक अप ह्यूमरस का फ्रैक्चर शोल्डर जॉइंट एक्सरे में। ठीक है, तो नेक अप ह्यूमरस का फ्रैक्चर देखेंगे हम आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आधे स्क्रीन पर एक डिजिटल एक्सरे है जिसे हम आज रीड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या फाइंडिंग इसमें देखेंगे, तो ये लेफ्ट शोल्डर का एक्सरे है ना, और एक ये चाइल्ड का एक्सरे है, 7 ईयर चाइल्ड का एक्सरे है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी एनाटॉमी देख लेते हैं, उसके बाद में इसमें क्या फाइंडिंग है या किस पॉइंट पे बोन इंजरी है या फ्रैक्चर है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, है ना, ये इसका क्लेविकल बोन है। ठीक है, और ये स्केपुला बोन है। ठीक है, और ये ह्यूमरस बोन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ग्लेनॉइड फोसा रहता है, स्केपुला का पार्ट। ठीक है, और ये हेड अप ह्यूमरस है, ये यहाँ पे इससे जुड़ता है। ठीक है, जॉइंट बनाता है, ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं इसको, यहाँ पर जो जॉइंट बनता है। ठीक है, और इस पूरे जॉइंट को शोल्डर जॉइंट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमें देखना है कि किस पॉइंट में फ्रैक्चर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, क्लेविकल में कोई फ्रैक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। अब स्केपुला देख लीजिए, ये सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला और ये इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। ठीक है, ये लेटर बॉर्डर ऑफ स्केपुला कहलाता है और यहाँ से ये मिडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक्रोमियम प्रोसेस कहलाता है स्केपुला का, और ये जो प्रोसेस है ये है कोरोकाइट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर ये जॉइंट बनता है, ये एसी जॉइंट कहलाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अब हमने एनाटॉमी देख लिया, अब हम इसमें देख लेते हैं फ्रैक्चर किस पॉइंट पर है। अब ये देख लीजिए, ये इसका हेड ऑफ ह्यूमरस है, ह्यूमरस का पार्ट हेड कहलाता है। ठीक है, या प्रॉक्सिमल ह्यूमरस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है 6 से 7 साल के बच्चे का एक्सरे है, इसमें देखिए ऑसिफिकेशन सेंटर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन है जिससे फ्रैक्चर टाइप आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये फ्रैक्चर नहीं है, ये ऑसिफिकेशन सेंटर है, इफिफाइसिस सेंटर कहलाता है। ठीक है, जब ये एडल्ट होने के बाद में ये आपस में याली बोन आपस में फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, हेड ऑफ याला हिस्सा हेड ऑफ ह्यूमरस कहलाता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर जस्ट इसके हेड के नीचे में ये हिस्सा कहलाता है नेक ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको ये फ्रैक्चर लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसकी ह्यूमरस के नेक में फ्रैक्चर आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप। मैं आपको थोड़ा इसे जूम करके भी दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, तो इस एक्सरे में हेड ऑफ सॉरी नेक ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर है, या प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है, देख पा रहे हैं ये इसका ये फ्रैक्चर लाइन। ठीक है, ये नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और कमेंट करके बताएं। चैनल को अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।